हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना सॉलिड स्टेट फाइनल ईयर के अंदर चल रहा था क्रिस्टल मोमेंटम। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जो जालक होते हैं, जालकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनका क्रिस्टल मोमेंटम एच कट के नहीं होता। इनका वास्तविक जो मोमेंटम होता है वो एच कट के नहीं होता, बल्कि इस एच कटके के साथ और कुछ ऐड होता है। ये अपने पिछली क्लास में देख लिया था। आज देखेंगे जालक संवेग पूर्णतया प्रतिलोमी जालक जी का मापांक होता है। जालक संवेग वो पूर्णतया प्रतिलोमी जालक जी का मापांक होता है, ये देखेंगे आज। यानी जो जालक संवेग होता है वो जी का मापांक होता है, ये देखेंगे। ये आएगा अपने ब्लॉक थ्योरम से। तो सबसे पहले लिखो ब्लॉक थ्योरम का स्टेटमेंट। ब्लॉक थ्योरम थी अपने पास साई के आर वेक्टर इक्वल टू यू के आर वेक्टर ई आयोटा के आर। ये अपनी ब्लॉक थ्योरम थी। यहाँ पर के डेस होता है के प्लस जी, तो के का मान हो जाएगा के डेस माइनस जी। मान पुट कर दो, के का मान पुट करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा साइन के आर यू के डैश माइनस जी वेक्टर आर ई आयोटा के डैश माइनस जी वेक्टर, और ये आपका आर इक्वेशन टू। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ई आयोटा के डेस आर माइनस, ये हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं, साई के आर इज इक्वल टू यू के यहाँ रहने दो, इसी के साथ कर लेते हैं यू के आर ये हो जाएगा ई आयोटा के आर ई माइनस आयोटा जी आर। ये हो गया, यहाँ तक लिखो। यहाँ पर भी कर लो एक बार। ये हो गया। इस वाले को लिख लिया यू के डेस आर, तो अपने पास ये आ गया साई के आर वेक्टर यू के डेस आर ई आयोटा के आर इक्वेशन नंबर तीन। वेहर यू के डेस आर क्या है? यू के डेस आर है आपका यू के डेस माइनस जी आर ई आई जी आर। इस यू के डेस का मान ये है, अब इस यू के डेस में पीरियोडिसिटी होती है।
इस यूकेडेस में पेरियोडिसिटी होती है, तो इसको लिख सकते हैं यूकेडेस, यूकेडेस आर प्लस टी इज इक्वल टू यूकेडेस आर, इसको लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख देंगे, इस वाले को, इस वाले को लिख देंगे, अतः यू के डेस आर प्लस टी इज इक्वल टू यू के डेस माइनस जी आर प्लस टी, यहाँ पर ई माइनस आई जी आर प्लस टी, ये हो गया। यहाँ तक लिखो, इस वाले को क्या लिख सकते हैं, इस वाले से, इस वाले को लिख सकते हैं यू के डेस माइनस जी आर, इस वाले को, इस वाले को लिख सकते हैं यू के डेस आर प्लस टी इज इक्वल टू यू के डेस जी आर ई आई जी आर, ये वाला लिख सकते हैं। ये वेक्टर हैं सारे जी आर टी, ये सारे वेक्टर हैं। इस वाले से लिखा है इसको, इसका यूज करके लिखा है इसको। यहाँ ये भी डैश था, अतः समीकरण तीन को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, निम्न प्रकार लिख सकते हैं, अतः समीकरण तीन को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। समीकरण तीन को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, साई के आर इज इक्वल टू यू के डेस आर डॉट ई आयोटा के डेस आर, ये है, तो इसको लिख सकते हैं अपन साई के डेस आर से, साई के डेस आर मीन्स अर्थात साई के आर इज इक्वल टू साई के डेस आर।
अर्थार्थ जालक संवेग जी, अर्थार्थ जालक संवेग जो प्रतिलोमी जालक जी है उसका मापांक होता है, अर्थार्थ जालक संवेग पूर्णतया प्रतिलोम जालक जी का, जालक जी का मापांक होता है, मापांक होता है ये वाला। अब आता है आपका नया टॉपिक इफेक्टिव मास, प्रभावी द्रव्यमान। लिखो यहाँ तक, हेडिंग डालो इफेक्टिव मास। प्रभावी द्रव्यमान, प्रभावी द्रव्यमान। अब इलेक्ट्रॉन गति करता है क्रिस्टल में, क्रिस्टल में होता है क्रिस्टल विभव, और क्रिस्टल विभव में आवर्ती विभव, आवर्ती विभव के कारण इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो मास भिन्न होता है, पहले के मास से भिन्न होता है। पहले का मास वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड में गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो उस पर बल लग रहा है माइनस ई, और एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम ए, यहाँ से एम आता है, एम आ गया एम ई अपॉन ए, ई अपॉन ए। लेकिन अब जो इफेक्टिव मास आता है वो इस मास से अलग आता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी क्रिस्टल में गति करता है तो क्रिस्टल, या जब इलेक्ट्रॉन किसी क्रिस्टल विभव में गति करता है तो आवर्ती क्रिस्टल के कारण उसका द्रव्यमान भिन्न प्राप्त होता है, आवर्ती विभव आवर्तता के कारण उसका द्रव्यमान अलग प्राप्त होता है, इसे ही प्रभावी द्रव्यमान कहते हैं। तो परिभाषा लिखो, इफेक्टिव इफेक्टिव मास, जब इलेक्ट्रॉन किसी, जब इलेक्ट्रॉन किसी ठोस क्रिस्टल में गति करता है, या किसी ठोस में गति करता है, गति करता है तो क्रिस्टल विभव के आवर्ती विभव के कारण, तो करता है तो ठोस में उपस्थित क्रिस्टल विभव, तो ठोस में, ठोस में उपस्थित क्रिस्टल विभव में विद्यमान, ठोस में उपस्थित क्रिस्टल विभव में विद्यमान आवर्ती विभव के कारण इसका द्रव्यमान भिन्न प्राप्त होता है, आवर्ती विभव के कारण इसका द्रव्यमान के कारण इलेक्ट्रॉन का मास
भिन्न प्राप्त होता है, भिन्न प्राप्त होता है, इसे ही प्रभावी द्रव्यमान कहते हैं। प्रभावी द्रव्यमान कहते हैं, इसे ही प्रभावी द्रव्यमान कहते हैं। अब कोई ठोस है, ठोस पर बल लगाएंगे या ठोस पर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, तो उस बल का मान कितना होगा वो नोट करना है। तो लिखो ठोस पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर, ठोस पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ठोस पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू माइनस ई क्यू प्लस एफ वन। अब वो एफ वन एक्स्ट्रा आ रहा है, एफ वन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एफ वन क्या है? बल हो जाएगा, बल आपका एफ माइनस ई प्लस एफ वन, जहाँ एफ वन है आयन तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला बल, वेहर एफ वन है आयन तथा इलेक्ट्रॉन्स के मध्य लगने वाला बल, आयन तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला बल। एफ वन है आयन तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला बल, इसका मान होता है एफ वन एम वन ए। इसको डैश लगा लो या वन मान लो, कुछ भी मान लो, डैश वन ये हो गया। अब जो न्यूटन है, न्यूटन के अकॉर्डिंग बल क्या होता है? न्यूटन के अनुसार बल, न्यूटन के अनुसार बल, न्यूटन के अनुसार बल होता है एफ एम ए, समीकरण दो समीकरण एक। तो एक और दो से क्या हो जाएगा? फ्रॉम वन एंड टू ये हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू माइनस ई प्लस एम वन ए। यहाँ आ गया, इसको इधर ले आऊँ, एक कॉमन ले लूँ, तो एम एम माइनस ए ई माइनस ई, यहाँ आ गया एफ एम वन माइनस ई अपॉन ए, ये आ गया प्रभावी द्रव्यमान। प्रभावी द्रव्यमान इसको एम स्टार से बताते हैं, माइनस ई अपॉन ए, जहाँ एम स्टार है आपका एम माइनस एम वन, इसको बोलते हैं प्रभावी द्रव्यमान। प्रभावी द्रव्यमान, अब ये प्रभावी द्रव्यमान पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और जीरो हो सकता है। यहाँ तक लिखो, ये आ गया। पहले कितना आ रहा था? पहले आ रहा था अपना एम माइनस ई अपॉन ए, अब यहाँ पर अलग आ रहा है, तो इससे अलग मान प्राप्त हो रहा है, तो इसे प्रभावी द्रव्यमान कहेंगे। यहाँ तक नोट करो।
जब इलेक्ट्रॉन किसी ठोस में गति करता है तो ठोस में उपस्थित क्रिस्टल विभव में विद्यमान आवर्ती विभव के कारण इलेक्ट्रॉनों का मास भिन्न प्राप्त होता है, इसे ही प्रभावी द्रव्यमान कहते हैं। ठोस पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर लगने वाला बल, ये वाला F1 क्या है? F आयन और इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला बल, इसका मान है F1 का मान m1a, और न्यूटन के अनुसार होता है अपना F=ma। 2 और 3 से अपने पास ma = -e - charge e और इलेक्ट्रिक फील्ड e प्लस m1a, वहाँ से पुट किया तो अपना आ गया m - m1 = -charge e और इलेक्ट्रिक फील्ड e। m - m1 को इफेक्टिव मास कहेंगे। इसमें लिखो प्रभावी द्रव्यमान पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। प्रभावी द्रव्यमान पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य हो सकता है, जो प्रभावी द्रव्यमान है इफेक्टिव मास से पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब m का मान कम हो। नेगेटिव कब होगा? जब पॉजिटिव m1 का मान कम हो, नेगेटिव m1 का मान ज़्यादा हो, किससे? m से, और जीरो m1 और m2 बराबर हो। तो ये होगा m1 का मान कम है m से, दूसरा m1 का मान ज़्यादा है m से, तीसरा है m1 = m। तीनों कंडीशन है। ये है तब m स्टार क्या होगा? m1 का मान कम है तो m स्टार पॉजिटिव, यहाँ m स्टार इफेक्टिव मास नेगेटिव और यहाँ इफेक्टिव मास जीरो। प्रभावी मास पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। अब निकालेंगे एक वी में जालक है, उस एक वी में जालक में इलेक्ट्रॉन का प्रभावी मास, तो हेडिंग डालो एक वी में जालक में इलेक्ट्रॉन का प्रभावी मास। हेडिंग डालो एक वी में जालक में इलेक्ट्रॉन का प्रभावी मास, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान इफेक्टिव मास, एक वी में जालक में इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान। इसमें लिखूं ठोस में क्रिस्टल विभव की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का मास प्रभावी द्रव्यमान कहलाता है या प्रभावी मास कहलाता है। तो लिखो ठोस के क्रिस्टल में, ठोस के क्रिस्टल में क्रिस्टल विभव की उपस्थिति के कारण
ठोस में क्रिस्टल विभव की उपस्थिति के कारण या उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास इफेक्टिव मास कहलाता है। ठोस के क्रिस्टल में क्रिस्टल विभव की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का मास इफेक्टिव मास कहलाता है। अब जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है अपन निकाल चुके। क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का वेग होता है 1/h dE/dk। तो लिखो क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का वेग, क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग होता है v 1/h dE/dk। इलेक्ट्रॉन का वेग आ गया 1/h dV dE/dk। अब विद्युत क्षेत्र लगाएं क्रिस्टल पर, विद्युत क्षेत्र लगाएं तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो विद्युत क्षेत्र के कारण क्रिस्टल पर विद्युत क्षेत्र लगाने के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल लिखो। क्रिस्टल पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर, विद्युत क्षेत्र लगाने पर लगने वाला बल, लगने वाला बल कितना बल लगेगा, F माइनस E चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड E। न्यूटन के नियम से बल, न्यूटन के नियम से बल F = ma, न्यूटन के नियम से बल F = ma, या संवेग ले ले, संवेग क्या होता है, ये तो बल हो गया, संवेग से ले ले तो ये आता है dP/dt, F = dP/dt, F dP/dt। पी क्या है, पी है क्रिस्टल का मोमेंटम, पी क्रिस्टल का मोमेंटम, वेयर पी है एच कट के यानी क्रिस्टल मोमेंटम, क्रिस्टल मोमेंटम, पी है आपका क्रिस्टल मोमेंटम। तो एफ कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा एच कट dK/dt, ये हो गया एफ का मान, ये और ये बराबर है तो ये आ जाएगा इसको 2, 3, 2 और 3 से, 2 व 3 से, 2 और 3 से क्या आ जाएगा, -E = hdk/dt, -E = hdk/dt। यहाँ तक उतारो। अब त्वरण क्या होता है, त्वरण dV/dt यानी ए त्वरण होता है आपका एक्सेलरेशन, त्वरण त्वरण आता है आपका dV/dt। ए का मान निकालो, dV/dt कर दो, ये रहा v का मान, ये है इसका dV/dt करो,
डी वी अपॉन डी टी करेंगे तो इसको लिख सकते हैं अपन, वन बाई एच कट को तो बाहर, डी अपॉन डी टी, ये आ गया आपका डी वी अपॉन डी के, डी वी अपॉन डी के। अब इस डी वी अपॉन डी के को लिख सकते हैं वन अपॉन एच कट, वन अपॉन एच कट डी अपॉन डी के, डी अपॉन डी के, डी ई अपॉन डी के और डी के अपॉन डी टी, डी के अपॉन डी टी। यानी इस डी वी को एक स्टेप यहाँ वन अपॉन एच कट, डी अपॉन डी के और डी ई अपॉन डी टी, ये लिख दिया। यहाँ से लिख सकते हैं ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया वन अपॉन एच कट डी अपॉन डी के और डी ई अपॉन डी के और डी के अपॉन डी टी। यहाँ से ये आ गया, यहाँ तक उतारो समीकरण नंबर चार। क्या किया, सबसे पहले तो ठोस में क्रिस्टल है या ठोस के क्रिस्टल में क्रिस्टल विभव में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का मास इफेक्टिव मास कहलाता है। क्रिस्टलों का वेग आ गया, यानी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का वेग ये आ गया। क्रिस्टल पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर लगने वाला बल ये आ गया। यहाँ से न्यूटन के नियम से, न्यूटन का नियम होता है एफ इजिक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, पी का मान रख दिया क्रिस्टल मोमेंटम, तो ये आ गया एच कट डी के अपॉन डी टी। दो और तीन से ये आ गया, अब यहाँ पर जो त्वरण है त्वरण का मान निकाल लिया तो ये आ गया, यानी अपने पास त्वरण की इक्वेशन आ गई, त्वरण की इक्वेशन आ गई वन अपॉन एच कट, वन अपॉन एच कट इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर, डी के स्क्वायर और डी के अपॉन डी टी। अब इस डी के अपॉन डी टी का मान रख दो समीकरण तीन से, पुट द वैल्यू ऑफ डी के अपॉन डी टी बाई इक्वेशन थ्री, बाई इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री से मान रखा तो ये आ जाएगा ए वन अपॉन एच कट, वन अपॉन एच कट डी स्क्वायर ई डी के स्क्वायर, यहाँ से ये आ गया एफ अपॉन एच, एफ अपॉन एच कट, तो ए का मान आ गया एफ अपॉन एच कट और इसको मैं पूरे को ऊपर ले नीचे ले आऊँ तो ये डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर। ये आ गया ये मान आ गया, ऊपर है आपका एफ नीचे है, इसको ऐसे लिख सकते हैं एच कट स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर।
अब जो न्यूटन का नियम है, न्यूटन के नियम से प्रभावी द्रव्यमान, न्यूटन के नियम से प्रभावी द्रव्यमान, न्यूटन का नियम एफ, ये आ जाएगा। ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा एफ अपॉन एम स्टार। ये समीकरण नंबर 5 और ये समीकरण नंबर 6। 5 और 6 की तुलना करेंगे, इक्वेशन 5 व 6 की तुलना करने पर कि तुलना करने पर तुलना करेंगे तो एम स्टार किसके बराबर आ जाएगा? एम स्टार आ जाएगा एच का टी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, डी स्क्वायर ई और डी के स्क्वायर। यहाँ तक करूँ एसेलरेशन क्या होता है? डी वी अपॉन डी टी। वी का मान पुट कर दिया, एच कट बाहर आ गया, डी ई अपॉन डी टी। यहाँ से ये किया, अपने पास ये आ गया, इसको लिख दिया डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर डॉट डी के अपॉन डी टी। अब डी के अपॉन डी टी का मान समीकरण 3 से पुट कर दिया, समीकरण 3 से डी के अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? डी के अपॉन डी टी ये हो जाएगा एफ अपॉन एच कट। ये मान वहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन 5 आ गई। अब जो न्यूटन के नियम से प्रभावी द्रव्यमान क्या होता है? एफ इजिकल टू प्रभावी द्रव्यमान एम और ए। यहाँ से ए क्या हो गया? एफ अपॉन एम स्टार इफेक्टिव मास। 5 और 6 की तुलना कर दी, तुलना करने पर ये आ गया, इसको दे लो समीकरण नंबर 7। अब जो केपी मॉडल था, केपी मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कितनी आई थी? केपी मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी एच स्क्वायर एच कट स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 2m कुछ आया था ऐसा? देखते हैं, इसको लिखो फिर मिटाते हैं। क्रोनिक पेनी मॉडल से इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी आई थी? E इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m। एच कट स्क्वायर के स्क्वायर 2m, यहाँ से अपन को चाहिए डी ई स्क्वायर डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर, तो यहाँ से निकाल लो डी ई अपॉन डी के का मान निकाल लो, के साथ इसका अवकलन कर दो, अवकलन करो तो ये हो जाएगा 2 एच कट के स्क्वायर 2m, 2 से 2 कैंसिल आउट एच कट के स्क्वायर अपॉन m, ये आ गया। डी स्क्वायर ई निकाल लो, एक बार अवकलन और कर दो, डी स्क्वायर ई डी के स्क्वायर, यहाँ से ये आ जाएगा के स्क्वायर बाई एम। अपन क्या कर रहे हैं दोबारा से देखो, इसका ये हो जाएगा 2 के एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, 2 से 2 कैंसिल आउट के एच कट स्क्वायर एम, दोबारा किया तो एच कट स्क्वायर बाई एम, ये मान आ गया, ये मान आ गया। लिखो
समीकरण सात में मान रखने पर, यह मान समीकरण सात में रख दो, इक्वेशन सात में मान रखने पर, इक्वेशन सात में मान रखोगे तो एम स्टार एच कट स्क्वायर या जाएगा एच कट स्क्वायर अपॉन एम, इसको लिख सकते हैं एच कट स्क्वायर और एम एच कट स्क्वायर कैंसिल आउट, एम स्टार इज इक्वल टू एम, ये आ गया। उतारो यहाँ तक, यहाँ से ये क्या रहा है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस फ्री इलेक्ट्रॉन का ये रियल मास है, ये इफेक्टिव मास है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास रियल मास के बराबर होता है। लिख लो इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास इसके रियल मास के बराबर होता है, इसके रियल मास के बराबर होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास इसके रियल मास के बराबर होता है, ये आ गया। अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पहले निकाल ही चुकी हैं, वही अब त्वरण डी वी अपॉन डी टी, वहाँ से v का मान रख दिया, एक समीकरण आ गई एक की। अब उस समीकरण की तुलना की अपन ने, सॉरी ये समीकरण आ गई, इस समीकरण की तुलना की न्यूटन की जो इक्वेशन थी प्रभावी मास की उससे, तो प्रभावी मास ये आ गया, इफेक्टिव मास आ गया। अब अपन को इसमें डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर आ रहा है, तो ई आएगी आपकी केपी मॉडल से एनर्जी, केपी मॉडल से एनर्जी लिख ली, एनर्जी का दो बार अवकलन किया, डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर आ गया, इसका मान समीकरण सात में पुट कर दिया, एम स्टार इज इक्वल टू एम आ गया, यानी जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, उस फ्री इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास इसके रियल मास के बराबर आता है। इसका आगे का अपन कल देखेंगे।